हेलो गाइज, वेलकम टू टॉक एंड टिप्स। माय नेम इज अमरेंद्र कुमार। सो गाइज, इस वीडियो में व्हाट्सअप के एक नए फीचर या नए अपडेट के बारे में जानने वाले हैं। ये फीचर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाले हैं। दोस्तों, हमें किसी को भी फोटो या वीडियो कुछ भी शेयर करना हो तो सबसे पहले नंबर व्हाट्सअप का ही आता है, और व्हाट्सअप के जरिए ही हम किसी को भी फोटो या वीडियो काफ़ी आसानी तरीके से सेंड कर पाते हैं। दोस्तों, आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ, किसी को भी कोई ऐसा फोटो या वीडियो सेंड किए होंगे और सेंड करने के बाद आपके दिमाग में ऐसा आता होगा कि यार, हमने तो फोटो या वीडियो सेंड कर दिया, कहीं उस फोटो या वीडियो का वो मिस यूज ना कर दे या किसी दूसरे के पास भी सेंड ना कर दे, मतलब उस फोटो वीडियो का कहीं कोई दुरुपयोग ना कर दे। तो इस तरह की जो बात है आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आई होगी। तो इसका भी ट्रिक व्हाट्सअप ने निकाल लिया है, और व्हाट्सअप ने ऐसा फीचर लाया है कि आप किसी को भी कोई फोटो या वीडियो सेंड करते हैं तो वो व्यक्ति सिर्फ एक बार देख पाएगा, और एक बार देखने के बाद अगर दोबारा देखना चाहेगा तो फिर वो उसे नहीं देख पाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये फीचर किस तरह काम करता है। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके चैनल पहली बार आए हैं और ऐसे ही व्हाट्सअप ट्रिक देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, चलिए आप ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और दिखा देते हैं कि फीचर किस तरह काम करता है। सो गाइस, ले आए हैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर, और आपको यहाँ पर दो फोन देखने को मिल रहे होंगे। तो ये वाला मेरा फोन है और ये वाला मेरे किसी दोस्त का फोन है, ऐसा आप मान लीजिए। तो मैं इस फोन से यहाँ पर एक फोटो या वीडियो को सेंड करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि ये फीचर किस तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद गैलरी में जाते हैं, और गैलरी में जाने के बाद यहाँ से किसी एक फोटो को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें सेंड करना होगा, और यहाँ से इस फोटो को सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद फिर इसे सेंड कर देते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ से सेंड करने से पहले आपको यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर वन लिखा एक आइकन आपको दिख रहा होगा। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा फोटो सेंड टू व्यू वंस, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फोटो देखिए इस मोबाइल में सेंड हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर फोटो आ गया है। तो दोस्तों, आप व्यूज वन में जब फोटो को सेंड करेंगे तो यहाँ पर फोटो नहीं दिखेगा। तो देखिए, इसमें भी दिखा रहा है फोटो, और यहाँ पर वन दिख रहा है, और इसमें भी वही दिखा रहा था। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये फोटो दिख गया, और उसके बाद जैसे ही आप बैक जाएंगे तो ये फोटो अब इसे ओपन करेंगे तो ये दिखेगा ही नहीं। यहाँ पर लिखा आ रहा है ओपेंड, यानी आप इसे ओपन कर लिए हैं। तो दोस्तों, इस फीचर का नाम है व्यूज वंस, और इस फीचर में आप जब किसी को फोटो या वीडियो सेंड करते हैं तो वो बंदा सिर्फ एक बार ही फोटो या वीडियो को देख पाए। इस तरह दोस्तों, व्यूज वन में जब आप वीडियो सेंड करेंगे तो वीडियो को भी सिर्फ एक बार ही प्ले किया जा सकता है, एक बार के दोबारा वो वीडियो प्ले नहीं हो। सो इस तरह व्हाट्सअप में व्यूज वन फीचर आ जाने के बाद किसी को भी फोटो या वीडियो सेंड करते हैं तो जिस भी व्यक्ति को आप फोटो या वीडियो सेंड किए हैं उस फोटो या वीडियो को सिर्फ एक बार ही देख पाएगा, एक बार देखने के बाद वो दोबारा नहीं देख पाएगा। लेकिन इस फीचर का क्या यूज, जब कोई व्हाट्सएप में हमारे फोटो को स्क्रीनशॉट ले ले, या जब हम कोई वीडियो सेंड करते हैं तो फोन में स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके और फिर वीडियो को अलग से सेव कर ले, तो हमारे हिसाब से इस फीचर का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। तो मैं व्हाट्सएप को कहना चाहूँगा कि भैया, जब आपने इतना अच्छा फीचर ला ही दिया है व्यूज वंस का, तो एक और फीचर ला दीजिए कि व्हाट्सएप में कोई भी स्क्रीनशॉट ना ले पाए और ना ही इसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाए। बहुत सारे ऐप है जिसमें ना ही हम स्क्रीनशॉट ले पाते हैं, ना ही हम उसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो आप भी अपने अंदर ये फीचर लाइए, और अगर नहीं लाते हैं तो फिर आपका जो ये व्यूज वन फीचर है ये बेकार है। आप सोच रहे हैं कि इससे लोगों की प्राइवेसी बची रहेगी, तो इससे कोई भी प्राइवेसी बची नहीं है। लोग समझदार है, स्मार्ट है, मालूम चलेगा कि व्यूज वन फोटो सेंड किया गया है तो पहले ही स्क्रीनशॉट लेने के तैयार रहेंगे या स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देंगे। तो बस आपको इतना ही बताना था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके चैनल में पहली बार है चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।